कक्षा षष्ठ के सभी भैयाओं को सुप्रभात। आज हम संस्कृत विषय में छठा पाठ षष्ठ पाठ समुद्र तट यानी समुद्र का किनारा इसका अध्ययन करेंगे। एषः समुद्र तटः अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति। केचन तरंगः क्रीडन्ति, केचन च नौकाभिः जल विहारं कुर्वन्ति। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, बालिकाः बालका च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। मध्ये मध्ये तरंगा बालुकागृहं प्रवाहयन्ति। एषा क्रीडा प्रचलति एव। समुद्रतटः न केवलं पर्यटनस्थानानि समुद्रतटः न केवलं पर्यटनस्थानानि अत्र मत्स्यजीविन अपि स्वजीविकां चालयन्ति। एषः समुद्रतटः यः समुद्रतट है अर्थात समुद्र का किनारा है। अत्र जनः पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र यानी यहाँ जना यानी लोग पर्यटनाय घूमने के लिए आगच्छन्ति आते हैं। अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगे ही क्रीडन्ति, केचन यानी कोई कुछ लोग, तरंगे तरंग यानी लहर, तरंगे यानी लहरें, केचन तरंगे ही क्रीडन्ति कुछ लोग जो है लहरों से खेलते हैं, कुछ लोग लहरों से खेलते हैं। केचन च नौका भी जल विहारं कुर्वन्ति कुछ लोग, केचन च और कुछ लोग नौका भी जल विहारं कुर्वन्ति नावों से जल विहार करते हैं अर्थात जल में घूमते हैं। कुछ लोग और कुछ लोग नावों से जल विहार करते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, तेषु केचन उनमें से, तेषु यानी उनमें से, केचन कुछ लोग कंदुकेन, कंदुकेन गेंद, कंदुकेन यानी गेंद से क्रीडन्ति खेलते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति उनमें से कुछ लोग गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालका च बालुका भी बालुका गृहं रचन्ति। बालिका यानी लड़की, लड़कियां, बालका यानी लड़के, लड़के और लड़कियां, बालिका बालका च लड़के और लड़कियां, बालुका भी बालू मिट्टी से, बालुका भी बालू मिट्टी से बालुका गृहं रचन्ति बालू मिट्टी का घर बनाते हैं। लड़के और लड़कियां बालू मिट्टी से बालू मिट्टी का घर बना रहे हैं, रचयन्ति बना रहे हैं। मध्य मध्य तरंगा बालुका गृहं प्रवाहयन्ति, मध्य मध्य यानी बीच बीच में तरंगा यानी लहरें बालुका गृहं मिट्टी के घरों को प्रवाहयन्ति बहा ले जाती हैं। बालक क्या कर रहे हैं, बालक बालिका और बालका, लड़के और लड़कियां बालू मिट्टी से बालू का घर बना रहे हैं और वो जब बना रहे हैं तो मध्य मध्य बीच बीच में तरंगा यानी समुद्र की जो लहरें हैं बालुका गृह प्रवाहयन्ति मिट्टी के घरों को बहा ले जाती हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव, ऐसा खेल चलता ही रहता है। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव, ऐसा खेल चलता ही रहता था। इस प्रकार की क्रियाएं जब बालक करते हैं तो लहरें उन्हें बीच बीच में अपनी लहरों के साथ उस मिट्टी के घरों को बहा कर ले जाती है और ऐसा खेल चलता ही रहता है। समुद्र तटा न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट केवल पर्यटन स्थान ही नहीं है, समुद्र तट केवल घूमने के स्थान ही नहीं है। अत्र मत्स्य जीवन अपि स्वजीविकां चालयन्ति, अत्र मत्स्यजीविन अपि स्वजीविकां चालयन्ति यहाँ पर जो है मत्स्यजीविन यानी मछुआरे, अत्र यहाँ मछलियों से अपना जीवन यापन करने वाले मत्स्यजीविन मछुआरे, यहाँ पर मछुआरे भी अपि यानी भी, यहाँ पर मछुआरे भी स्वजीविकां चालयन्ति अपनी जीविका चलाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। मत्स्यजीविन यानी मछलियों से अपना जीवन यापन करने वाले अर्थात मछुआरे भी अपि यानी भी स्वजीविकां चालयन्ति अपना जीवन चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति, एतेषु मुंबई गोवा कोच्चि कन्याकुमारी विशाखापत्तनम पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। गोवा तट विदेशी पर्यटकेभ्य समाधिकं रोचते, विशाखापत्तनम तट वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध, कोच्चि तट नारी केल फलेभ्य ज्ञायते, मुंबई नगर से
जुहू तटे सर्वे जना स्वयं विहरन्ति। चेन्नई नगर से मेरीना तट देश से सागर तटेषु दीर्घतम। अस्माकम देशे बहवः समुद्र तटा सन्ति। हमारे देश में बहुत से समुद्र तटे एतेषु मुंबई गोवा कोची कन्याकुमारी विशाखापत्तनम पुरी तटा अतीव प्रसिद्धा सन्ति। इनमें एतेषु यानी इन समुद्र तटों में गोवा मुंबई गोवा कोची कन्याकुमारी विशाखापत्तनम पुरी तट जो है आदि प्रसिद्ध समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई गोवा कोची कन्याकुमारी विशाखापत्तनम पुरी तटा अतीव प्रसिद्धा सन्ति। इन समुद्र तटों में मुंबई गोवा कोची कन्याकुमारी विशाखापत्तनम पुरी आदि तट जो हैं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। गोवा तट विदेशी पर्यटक के भी समाधिकम रोचते। गोवा का जो तट है गोवा का जो समुद्र तट है विदेशी पर्यटकों के लिए समाधिकम अत्यधिक बहुत अधिक रोचित यानी बहुत पसंद करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। गोवा का तट जो है विदेशी पर्यटकों के लिए सबसे अच्छा लगता है, विदेशी पर्यटकों को अधिक अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तट वैदेशिक व्यापार है प्रसिद्ध। विशाखापत्तनम का तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। विशाखापत्तनम तट वैदेशिक व्यापार है प्रसिद्ध। विशाखापत्तनम का तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोची तट नारी केल फले पे गए थे। कोची का जो समुद्र तट है कोची का समुद्र तट जो है नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। कोची का समुद्र तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगर से जुहू तटे सर्वे जना स्वयं विहरन्ति। मुंबई नगर से जुहू तटे सर्वे जना स्वयं विहरन्ति। मुंबई तट के जुहू तट पर सर्वे जना सभी लोग स्वयं बिना रोक टोक यानी अपना इच्छा अपनी इच्छा अनुसार स्वयं बिना रोक टोक के अर्थात अपनी इच्छा विहरन्ति घूमते हैं। मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग अपनी इच्छा अनुसार बेरोक टोक घूमते हैं। चेन्नई नगर से मेरीना तट देश से सागर तटेषु दीर्घतम। चेन्नई नगर का मेरीना तट चेन्नई नगर का मेरीना तट देश से सागर तटेषु देश के सागर तटों में जो देश के सागर तट है उनमें दीर्घतम यानी सबसे बड़ा है। चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सागर तटों में सबसे बड़ा है। भारत से 30 दिशासु समुद्र तटा सन्ति। अस्मादेव कारण भारत देश प्राय द्वीप इति कथ्यते। पूर्व दिशायां बंगोपसागर दक्षिण दिशायां हिंद महासागर पश्चिम दिशायां च अरब सागर अस्ति। एतेषां त्रयाणां अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदय सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुं शक्यते। भारत से 30 दिशासु समुद्र तटा सन्ति। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। भारत से 30 दिशासु समुद्र तटा सन्ति। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तटा सन्ति। समुद्र तटे अस्माद एव कारणात् इसी कारण से ही भारत देश प्रायद्वीप इति कथ्यते। भारत देश को प्रायद्वीप भी कहते हैं। प्रायद्वीप यानी जिस जो चारों ओर से पानी से घिरा हो ऐसा स्थान प्रायद्वीप कहलाता है। ऐसा स्थान क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। तो अस्मादेव का तो हमारा भारत देश भी तीन दिशाओं में तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, उसके तीन ओर समुद्र तट है, इसलिए इसको प्रायद्वीप कहते हैं। अस्मादेव कारणात् इसी कारण से ही भारत देश प्रायद्वीप इति कहते थे। भारत देश को प्रायद्वीप भी कहते हैं। समझ में आ गया? प्रायद्वीप पड़ता जो स्थान चारों ओर से जल से घिरा हो। पूर्व दिशायां बंगोपसागर दक्षिण दिशायां हिंद महासागर पश्चिम दिशायां च अरब सागर अस्ति। पूर्व दिशा में हमारे भारत देश की पूर्व दिशा में
बंगोपसागर अर्थात बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा हिंद महासागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर च, और पश्चिम दिशायां अरब सागर अस्ति, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। हमारे भारत देश के पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः, इन तीनों समुद्रों का मिलन, इन तीनों समुद्रों का मिलन भी, एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः, इन तीनों समुद्रों का मिलन भी कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी तट पर होता है। इन तीनों सागरों का संगम अर्थात मिलन भी कन्याकुमारी तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदय सूर्यास्तम च युगपदेव द्रष्टुं शक्यते। अत्र यहाँ पूर्णिमायां चंद्रोदय, पूर्णिमा तिथि को चंद्रोदय सूर्यास्तम और सूर्यास्त, चंद्रमा का उदय होना, चंद्र का उदय होना, सूर्यास्त होना, युगपदेव द्रष्टुं शक्यते, दोनों ही एक साथ देख सकते हैं। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदय सूर्यास्त च युगपदेव द्रष्टुं शक्यते, युगपदेव यानी एक ही साथ, द्रष्टुं शक्यते देख सकते हैं, युगपदेव यानी एक साथ, द्रष्टुं शक्यते देख सकते हैं। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदय सूर्यास्तम च युगपदेव द्रष्टुं शक्यते, यहाँ पर पूर्णिमा तिथि को चंद्र उदय और सूर्यास्त दोनों को एक साथ देख सकते हैं। इस पाठ के शब्दार्थ हैं समुद्र तट, समुद्र का किनारा, कठिन शब्दार्थ, पर्यटनाए घूमने के लिए, तरंगे लहरों से, नौका भी नौकाओं के द्वारा, जल विहारम जल क्रीड़ा, बालुका भी बालुओं से, बालुका ग्रम बालुका घर घरौंदा, मध्य मध्य बीच बीच में, प्रवायंती धो देते हैं बहा देते हैं, प्रचलति एवं चलती ही रहती है, पर्यटन स्थानानि घूमने की जगह, मत्स्य जीविना मछुआरे, स्वजीविकाम अपनी जीविका को, चालयंती चलाते हैं, अतीव बहुत अधिक, स्वयरम बेरोटोक यथच यानी अपनी इच्छानुसार, विहरंती घूमते हैं टहलते हैं, दीर्घतम सबसे लंबा, प्रायद्वीप तीन तरफ से जल से घिरा भूभाग, संगम मिलन, युगपदेव युगपत धन एव एक ही साथ, दृष्टुम शक्यते देखा जा सकता है। इस प्रकार ये हमारा छठा पाठ संपूर्ण हो गया। इस पाठ का आपने हिंदी अनुवाद पढ़ा, इसके शब्दार्थ कठिन शब्दार्थ जाने, आप इस पाठ का अध्ययन करेंगे पढ़ेंगे और इसके शब्दार्थ भी याद करेंगे, साथ इसका हिंदी अनुवाद आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख भी सकते हैं। धन्यवाद।